भर भीगे हुए वो हैं छोले, अब इनको उबालेंगे गैस। ये 20 मिनट छोले उबले हैं, उबल रहे छोले। टमाटर प्याज और अदरक का पेस्ट अभी बनाएंगे। लहसुन और ये है प्याज, और हमने 6 टमाटर डाले हैं मीडियम साइज के, और 1 अदरक का टुकड़ा अब लेंगे। अब इसका पानी जब सूख जाएगा तब हम इसमें तेल डालेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम फेंक देंगे। ठीक, जब इस जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम इसमें उतना ही ऑयल डालेंगे जितने की जितनी हम लोगों ने मसाला पीसा है, जितना उतना ही भुन जाए जिससे कि बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसमें जीरा ईरा भी डाल सकते हैं। ये वही मसाला है जो मैंने उस टाइम पीसा था, टमाटर प्याज लहसुन अदरक। तो हमने इसमें अभी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के इसको चला देंगे तक ये भुनता है, गोल्डन ब्राउन होता है, इसमें से ऑयल निकलने लगेगा। ऑयल अब तब तक हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। फिर इसमें मसाले पकंदा रहने देंगे जब तक ये मसाला अलग और तेल अलग नहीं हो जाता मसाले से। अब हम इस ढक्कन को हटा के इसको चलाएंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल ऐसा ही मसाला चाहिए है, जिससे कि तेल अलग, आप देख सकते हैं इसका तेल अलग है और मसाला अलग है। तो टेस्ट पे हम इसमें छोले डाल, ये हमारे छोले हैं जो कि हमने थोड़े से मैश कर दिए हैं और थोड़े से ऐसे ही हैं, इसमें हम डाल देंगे इनको। हमारे छोले थोड़े से कम हैं तो हम इसमें थोड़े से आलू डालेंगे, बाकी अगर आपके तो भी चलेगा। हम लोग आलू इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी देर हम इनको कौरेंगे, इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी। इसमें हम ग्रेवी अनुसार पानी डालेंगे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। बस दो ही हमें इतनी चाहिए हम। अब हमारी सीटी आ चुकी है तो कुकर ऐसे तो खुलेगा नहीं, पहले हम इसकी हमारे छोले पक चुके हैं। छोले तो ऑलरेडी पके थे क्योंकि हमने बॉईल कर रखे थे, आलू भी पक गए हैं। अब इसमें हरा धनिया काट दिया था, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब हम इसमें ये डाल देंगे दानिश करने के लिए। इसमें डाल के सारा दूंगा, अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। तैयार है मेरी छोले की सब्जी, और आप इनको चाहे तो भटूरे के साथ, चाहे तो पूड़ी के साथ, या पराठे के साथ, या फिर चावल के साथ आप खा सकते हैं। चावल भी दिखा दे। ये हमारे चावल हैं, तो ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप काजू और
वो मटर डाल के भी बना सकते हैं पुलाव की तरह। तो हम पराठे या फिर जो खाना चाहे खा सकते हैं।